अंतस की धारा में जागे रहना। साल बदल रहा है, साथ नहीं। अंतस का प्यार और अपनापन ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ेगा। बस नए साल की शुभ शुरुआत यही है कि कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ना। और ये शुरुआत उन्हीं के साथ है जो जिंदगी को सचमुच नया बनाना चाहते हैं। थोड़ी देर पलकों को नीचे कर लें, भरपूर विश्राम देना अंतस की ओर। ये ऊर्जा हम सबके पास बहुत सारी होती है, लेकिन हमें वो उपलब्ध उतनी ही होती है जितनी हमें जरूरत होती है। इसीलिए बार बार अंतस की धारा में एक ही बात कही जाती है कि जीवन में ऊंचा और बड़ा लक्ष्य उठाओ, क्योंकि बाहर जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना आप सारी दुनिया को अपनी बाहों में लोगे, तो भीतर से भी बड़े हो जाओगे। फिर भीतर तुम्हारा ही एंगर और रिएक्शन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अभी तो हमारी हालत ये है कि किसी ने कुछ कहा नहीं कि हमारा सारा वर्तमान ही खराब हो जाता है। इस राह पर एक एक कदम बढ़ाते चलना, जिसकी बात भी तुम्हें समझ आ जाए उस पर अमल करना, उसी को जीना। होश में एक एक कदम बढ़ाना, वहीं से पता चलेगा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। ज्यादा आगे की, फ्यूचर की मत सोचना। बहुत सरल साधारण होकर जागे जागे रहना जो भी तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है। जो जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसी को देखना। अंधेरे ही क्यों ना हो, अंधेरे ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकाश भी है। आप लगातार हर स्थिति का अनुभव लेना, बार बार वापस लौटना, मन के स्वभाव में बार बार खो जाना, लॉस्ट हो जाना, आइडेंटिफाइड हो जाना, ये सब आदतें अपने आप टूटती चली जाती हैं। बस आप अपने स्वभाव में रहना, मैं हूं देखने वाला। ठीक जैसे बाहर की आंखें बाहर की दुनिया को देखती हैं, पर जिस समय आंखें बाहर देख रही हैं, तुम आंख के देखने को भी देखो। कान जब शब्द सुनता है तो शब्द पर ध्यान देने के बजाय कान पर ध्यान दीजिए। आई हुई ध्वनि का अर्थ तुम्हारा मन क्या समझता है? तो शब्द पर ध्यान देने की अपेक्षा उस मन पर दृष्टि रखिए जिसने उस ध्वनि का एक अर्थ बनाया, और मन से भी ज्यादा अपने ही दृष्टा स्वरूप पर दृष्टि रखिए जिसने मन, कान और शब्द इन तीनों को जाना है। अभी जब आप देखते हो तो सामने दृश्य पर दृष्टि है, आंख अपने को भूल जाती है, और मन के पीछे भी मैं दृष्टा स्वरूप हूं ये तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आंखें बंद कर दृश्य न देखो, दृष्टा होकर दृश्य को देखो। केवल देखना, शरीर बन के न करो कुछ, शरीर कर रहा है अपना काम, तुम अपना काम करो, तो तुम अकर्ता स्वरूप हो गए। लोग पूछते हैं हम अकर्ता कैसे हो, यकीन मानिए आप अकर्ता स्वरूपा हो। स्वरूप से ही तुम अकर्ता हो, अकर्ता बनना नहीं, तुम हो, यू आर डैट। तुम ही असंग आत्मा हो, बनना नहीं है, तुम हो, तुम ही हो सच्चित आनंद की धारा। तो अपने ध्यान के इस तीर को दो दिशाओं में चलाओ। एक तुम्हारा ध्यान रंग रूप गंध शब्द स्पर्श में जाए, तीर का दूसरा सिरा वह अपने आप की ओर बह जाए।
कि मैं इन इंद्रियों के रास्ते बाहर शब्द गंध स्पर्श को जानने वाला दृष्टा हूँ। यकीन मानिए, नोइंग क्रिया नहीं है, ये मेरा सहज स्वभाव है। किंतु माइंड के साथ जुड़ते ही हम रिएक्शन करते हैं एंगर। याद रहे, वो माइंड का स्वभाव है, मेरा नहीं। मैं मन नहीं, मैं देह भी नहीं, मैं इन सबसे परे। अब पर कौन और परे कौन, इसके लिए हम भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं मैं। ध्यान रहे, हम सभी द्वैत के अंदर ही जन्मे हैं, यानी ड्वेलिटीज में जन्मे हैं। इस जन्म के अंदर प्रहलाद का जन्म बेस्ट है। इसके जन्म की चार विशेषताएं हैं। पहला, जो बालक जैसा निर्दोष हो जाता है। दूसरा, जिसका हृदय भक्तिपूर्ण है। तीसरा, जिसके जीवन में धैर्य है, जो 6 महीने तक नारायण को खोज रहा है, जो 6 महीने तक तपा है, अलग अलग प्रकार से तप किए हैं उसने, ये है प्रहलाद। यानी कहने का मतलब यही है, भले ही हम द्वैत जगत में जन्मे हैं, लेकिन जिनका हृदय भक्तिपूर्ण, धैर्य, तप और बालकपना होगा, वो मेरी विभूति है। भगवान कह रहे हैं, उस विभूति का आत्म अनुभूति करना संभव है। यानी ये सब गुण विकास की बात चल रही है। आप अपने भीतर झांकिए, क्या तुम में बालक जैसा निर्दोषपना है, भक्ति है? उन्हीं भावों में कुछ देर डूब जाइए। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, दिन रात 24 घंटे जिसका ख्याल। डूब जाइए भीतर। क्या इतना पेशेंस है तुम में, रोज अपना खून पसीना जलाकर अपनी कमियों को गलाकर? इतना धैर्य चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि सब तुम्हारी विभूतियां हैं, लेकिन इन विभूतियों से अनुभूति संभव है। नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं, गणना करने वालों का समय है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वो समय और स्पेस अंतराल में ही हो रहा है। यदि टाइम उड़ा दो या स्पेस उड़ा दो, कुछ हो सकता है क्या? इसीलिए जो भी घटना घट रही है, इसी बीच में हो रही है। अगर टाइम हटा दो तो वो जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। लेकिन हम तो हर समय भूत या भविष्य की गणना करने में लगे रहते हैं। तुम जैसे ही खाली होते हो, या तो भूत चलता है या भविष्य की एंग्जाइटी। लेकिन ध्यान के समय किसी हायर की वाइब्रेशंस में हम एकदम प्रेजेंट में, वर्तमान में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बाहर चाहिए। लेकिन ध्यान में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ एक विरह वेदना। मेरे आंसुओं की तड़प तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको। निगाहें मिलाकर नजर फेर लेना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या है ये? बस तुम अपनी स्वतंत्रता में मन के पार जा रहे हो। यानी जब हम भूत और भविष्य को छोड़कर साधना के माध्यम से अभी और यहीं में आ जाते हैं, जब हम इसी क्षण में आ जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं, वो क्षण मैं हूं, वो क्षण मेरी विभूति है। उसी विभूति से आत्मानुभूति का मार्ग खुलता है, टोटल रिलैक्सेशन, जहां तुम मालिक हो जाते हो। वैसे तो पूरा पूरा भूतकाल भी मेरा है, भविष्य भी मैं हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी भूतियां हैं,
मुझे पाने के लिए विभूतियाँ चाहिए, विभूति है अभी यही। उसे ही समय कहा गया, समय के रहते रहते, श्वासों के रहते रहते अपने को खोज लेना, यही है अंतस की धारा। बस नववर्ष में अपने परमात्मा से यही प्रार्थना करना, ऐसा जगा दो फिर सो ना जाऊं, पूरी पूरी प्यास, पूरी पूरी विरह वेदना को जगाना, जागे रहना, होश में रहना।